हेलो स्टूडेंट, फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कुछ इंडाइसिस एंड स्ट्रट्स से रिलेटेड होंगे, वो आपको मैं बताऊंगा। देखिएगा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा 3 की पावर x इंटू 27 की पावर है x इज़ इक्वल टू 9 की पावर है x प्लस 4। अब आप यहाँ पर देख रहे हो 3 की पावर x इंटू 27 की पावर x 9 की पावर x प्लस 4। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है x के लिए, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे बेस एंड पावर का खेल होता है। अब आपको ये आपको इक्वल में राइट हैंड साइड लेफ्ट में 3 की पावर में बनाना है सबको x के लिए। तो हम देखो, आप जानते हैं 3 की पावर x है, आप जानते हो 3 की पावर 3 आप 27 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप 99 के लिए भी 3 की पावर 2 करके लिख दो, एंड पावर में है x, ठीक है, और प्लस 4। अब आप ध्यान देने की बात ये है 3 की पावर x इंटू 3 की पावर, जानते हो पावर की पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 3x हो जाएगा ये इक्वल टू 3 की पावर। अब ये पावर है में है 2, तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगी। देखो 2x से भी होगी और 2 4 8 भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3x की इंटू कर रही हैं 3 की पावर 3x। आप जानते हैं दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावरें हमारी ऐड होती हैं। तो x प्लस 3x कितना हो गया, 4x हो गया, इज इक्वल टू 3 की पावर 2x प्लस 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लो आप। अब आप कंपेयर करोगे 3 की पावर से कंपेयर कर लो आप, जो 3 की जो भी पावर है। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे, देखो 4x इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस 8 आएगा। 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस 8 आ गया। अब जानते हैं इस 2x को इधर ट्रांसफॉर्म करोगे लेफ्ट साइड में, तो 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 हो गया। 4x माइनस 2x 2x बचेगा इज इक्वल टू 8। आप जानते हैं x इज इक्वल टू 4 यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इंडाइसिस का आप सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इसमें सॉल्व करना है। नंबर 2 क्वेश्चंस देखिएगा। अगर आपके लिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम वो देखिएगा आप। ये कर्ली ब्रैकेट लगाया है, आप जानते हैं रूट है। अब ये इसके अंदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर लगा है, इस पे लगा हुआ है रूट। तो आप जानते हैं इसकी पावर 1/n है और इस बड़े की पावर है n/2 है। ये कर्ली ब्रैकेट है, इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये इस पावर की मल्टीप्लाई करेंगे इधर आप। तो जानते हैं ये n/2 था, सॉरी ये यहाँ पे 1/n है, एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, चलो चलते हैं। अब देखिएगा इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/n आने आएगा यहाँ पर, और इसकी पावर लगी हुई है n/2, और इस पर कर्ली ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा हुआ है। अब आप देखो क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाया x, अब 2 की पावर n की मल्टीप्लाई करेंगे आप n की पावर 2 से। आप जानते हैं इस n से n कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड कर्ली ब्रैकेट पे लगा हुआ है स्क्वायर। आप जानते हैं अंदर सिर्फ x की पावर 1 बचा और कर्ली ब्रैकेट पे लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, आपके x स्क्वायर के इक्वल आ गया। इस तरीके से देखो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिया आसानी से। चलो अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन किस स्टेप्स के आएगा, देखिएगा रूट लगा हुआ है स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर इंटू में रूट में वाई एक्स है। अब इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर देना है आपको। देखो आप जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से देखो एक्स निकल आएगा बाहर, रूट में बचेगा वाई। अब नीचे वाला है देखो यहाँ से वाई निकल आएगा बाहर,
तो रूट में क्या रह जाएगा, एक्स बचेगा। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स निकल आया, वाई स्क्वायर से वाई आ गया, जो वाई एंड रूट एक्स आपका इसमें बचा, इन टू में बचा है आपका रूट वाई अपॉन में रूट एक्स। अब आप जानते हैं एक्स रूट वाई की मल्टीप्लाई रूट वाई से करेंगे, यानी कि पावर इनकी रूट की होती है वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट टू की वन अपॉइंट टू से करोगे यानी कि वाई निकल के आएगा बाहर। नीचे डेनोमिनेटर में भी देखेंगे आप वाई है, एक्स की पावर वन बाई टू है क्योंकि रूट की वैल्यू होती है वन बाई टू, एंड इधर भी देखिएगा वन बाई टू है, तो यहाँ से भी निकल के आ जाएगा एक्स। आपने देखा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हमारे दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए, एक्स वाई तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया वन। आपको कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है इंडाइसिस के एंड सर्ट्स के, तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी इन अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आएंगे, इस टाइप के इस ये नहीं मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके लिए। अब आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट्स होंगे। देखिएगा अगर आपको 3 की पावर x नंबर फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, 3x है माइनस 3x की पावर x माइनस 1 है, ठीक है, और इज इक्वल टू में अगर आपको 4 8x है, अगर x को सॉल्व करना हो तो किस तरीके से करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना है। देखो 3 की पावर x है माइनस 3 की पावर यहाँ पे x, और इसको ब्रेक करेंगे हम 3 की पावर माइनस 1 में इज इक्वल टू, अब 4 8 6 है, इसको आप ऐसे ही लिखे रहेंगे अभी। अब 3x देख रहे हैं दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 माइनस के 3 की पावर माइनस 1 बचा इज इक्वल टू में 4 8 6 है आपका ये। अब आप देख रहे हैं 3 की पावर x ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस के 1 वाई 3 हो जाएगा, इन्वर्स नीचे आ गया इसका, 4 8 6 हो गया ये। आप जानते हैं 3 की पावर x है ये, इधर एलसीएम लेंगे तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इज इक्वल टू में है 4 8 6। आप जानते हैं 3x है ये, डिनोमिनेटर आपका ऊपर चला जाएगा, न्यूमिनेटर आपका नीचे आ जाएगा, तो 4 8 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ में, 2 आपका ये नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर x। अब आप जानते हैं 243 होता है वो 3 की पावर 5 होता है, एंड 3 की पावर 1 आपके पास ये अवेलेबल है, तो यहाँ पे 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 6 हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे आप दोनों तरफ, आप कंपेयर कर लीजिएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 6 मिलेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, कितना आसान है इंडाइसिस एंड सर्ट्स, इस तरीके से आप क्वेश्चन करें। आप वीडियो को आप लोगों को पूरा एंड तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।